Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. This is your online class of English. As you all know that we have started our grammatical syllabus so on, and we have complete almost very important things in our previous lectures. So today we are going to do our essay, that is morning walk, a very important and very interesting essay. Before wasting any time, let we have started our work. So this is your copy of English B, and in our previous lecture, let me show you, we have done our story Greedy Dog. Here it is. And for application for full fee concession, and also essay the school PN. These three things are going to be done in our previous lecture. So today we are going to do our story essay, that is a morning walk. So before starting this, we are going to write here the date and day. And today the date is 29th July, likhenge. July 29th, 2020. At the middle of the page, here it is the classwork, and at the right corner of the page, the day, that is Wednesday. Okay, next is our topic, and the topic is essay. A morning, morning, morning. वॉक walk, सुबह की सैर. उर्दू में इसको कहते हैं सुबह की सैर, और इंग्लिश में इसका नाम है मॉर्निंग वॉक. सो देखें, जैसे कि आपको पता है कि हम जब भी कोई ऐसे करते हैं 7th क्लास, तो वो ऐसे बेसिकली होता प्रेजेंट टेंस में है. लेकिन मॉर्निंग वॉक एक ऐसा ऐसे है जिसमें हमने एज अ स्टोरी बताना है कि सुबह की सैर में मैं कहाँ की गई, मैंने वहाँ जाके क्या किया, क्या कुछ देखा. These type of things, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो हमने करनी है. So let we have started our essay, that is a morning walk. बहुत important, बहुत amazing essay है. So we have started. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. वो कह रहे हैं कि सुबह जल्दी सोना और जल्दी उठना इंसान को सेहतमंद, दौलतमंद और अक्लमंद बनाता है. आई एम एन अर्ली राइजर, मैं सुबह सवेरे उठने वाला हूँ, कि मैं सुबह सवेरे जल्दी उठ जाता हूँ. लास्ट फ्राइडे, फ्राइडे का एफ कैपिटल, आई वॉक अप, लास्ट फ्राइडे आई वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग पिछली जुमे को मैं सुबह जल्दी उठा. आई वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. I made up my mind to go out for a walk. मैंने बाहर जाकर सैर करने के लिए अपना जहन बनाया. I went to a friend's house, मैं एक दोस्त के घर गया. and invited him, और उसे दावत दी. to go with me,
मेरे साथ चलने की एंड इन्वाइटेड हिम टू गो विद मी कि वो मेरे साथ, और उसे दावत दी कि वो मेरे साथ चले। ठीक है जी। ही एग्रीड, वो राजी हो गया, एंड वी स्टार्टेड एट 5 PM। 5 AM, वो राज़ी हो गया और हम सुबह 5 बजे रवाना हुए। ठीक है जी। नेक्स्ट पैराग्राफ उसी तरह थोड़ी सी लाइन छोड़ कर स्टार्ट करते होते हैं। द स्ट्रीट लुक डेजर्टेड, द स्ट्रीट्स लुक्ड, देखें ये सेकेंड फॉर्म है, मैंने आपको बताया था कि हम पास्ट टेंस में ऐसे लिखेंगे क्योंकि हम एक कहानी सुना रहे हैं कि मैं सुबह की सैर पे गया तो मैंने क्या क्या देखा और क्या क्या किया, तो इसीलिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आएगी। जब भी पास्ट टेंस की बात करते हैं तो सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। द स्ट्रीट्स लुक्ड डेजर्टेड, गलियाँ सुनसान नज़र आ रही थी, डेजर्टेड सुनसान। अ फ्यू ओल्ड पीपल वर गोइंग टू मस्जिद, कुछ बूढ़े लोग मस्जिद जा रहे थे। We also said our Fajr prayer, हमने भी अपनी फजर की नमाज अदा की। After it soon out of city, हम जल्द ही शहर से बाहर थे। birds were chirping, परिंदे चहचहा रहे थे। birds were chirping, scene was charming, मंजर बहुत दिलकश था। we were cheerful, हम खुश थे। rising, the sun was rising in the east, सूरज मशरिक से निकल रहा था। it was beautiful to look at this sight, इस मंजर, खूबसूरत मंजर को देखना बहुत अच्छा लग रहा था। It was beautiful to look at this sight. After, next paragraph, just one line. After this, we returned home. इसके बाद हम घर वापस आ गए। We were happy and fit all day long. हम बहुत खुश थे और पूरा दिन चुस्त और खुशो खुर्रम रहे।
दिस इज़ द एसे. अगेन एक दफ़ा रिकॉल कर देते हैं. अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. आई एम एन अर्ली राइजर. लास्ट फ्राइडे आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई मेड अप माई माइंड टू गो आउट फॉर अ वॉक. आई वेंट टू अ फ्रेंड्स हाउस एंड इन्वाइटेड हिम टू गो विद मी. ही एग्रीड एंड वी हैव स्टार्टेड. वी स्टार्टेड एट 5 AM. द स्ट्रीट लुक्ड डेजर्टेड. अ फ्यू ओल्ड पीपल वर गोइंग टू द मस्जिद. वी ऑल्सो सेड आवर फजर प्रेयर. आफ्टर इट वी वर सोन आउट ऑफ सिटी. बर्ड्स वर चिरपिंग. द सीन वॉज चार्मिंग. वी वर चीयरफुल. द सन वॉज राइजिंग इन द ईस्ट. इट वॉज ब्यूटिफुल टू लुक एट दिस साइट. आफ्टर दिस वी रिटर्न होम. वी वर हैप्पी एंड फिट ऑल डे लॉन्ग. ओके जी, दिस इज़ आवर एसे मॉर्निंग वॉक जो कि मैं आपको करवा चुकी हूँ. एंड नेक्स्ट जो हमने अब करने जा रहे हैं दैट इज़ आवर लेटर टू फादर आस्किंग फॉर मनी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट हियर द टॉपिक एंड द टॉपिक इज लेटर टू फादर asking for money. Letter to father asking for money. So let we have started. Letter हमेशा start करते हैं examination hall से. Examination hall, comma, city A डॉट बी डॉट सी डॉट सी डी ए बी सी. इसके बाद डेट लगाते हैं जुलाई 29th, 2020 फुल स्टॉप. एक लाइन छोड़कर जिसको आपने खत लिखना है. माई डियर फादर एफ ए टी एच ई आर फादर कोमा. सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम. अस्सलामु अलैकुम. आई होप यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो दैट I have passed my 6th class examination. मुझे बहुत खुशी. मुझे उम्मीद है कि आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि मैंने अपना 6th क्लास का इम्तिहान पास कर लिया है. I declared second in the class. मैं जमात में दूसरे नंबर पर आई हूँ. I am now sitting in 7th class. I have to buy buy books for new class. I need 1000 rupees. For this purpose, please send me this money as soon as possible. जितनी जल्दी हो सके मुझे ये रकम भिजवा दें.
kind regards to dear mother. Your loving son, लड़के son लिखेंगे, लड़कियाँ daughter लिखेंगी, daughter, daughter, comma, x, y, z. Understand? अगेन एक दफ़ा पढ़ देती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट ईजी लेटर है ये. Examination Hall City ABC July 29, 2020. My dear father, Assalamu alaikum. I hope you will be very glad to know that I have passed my 6th class examination. I declared second in class. I am now sitting in 7th class. I have to buy books for new class. I need 1000 rupees for this purpose. Please send me this money as soon as possible. Kind regards to the dear mother, your loving son or daughter, XYZ. सो सेवन क्लास ये हो गया आज का हमारा लेटर, लेटर टू फादर आस्किंग फॉर मनी. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ऐसे मॉर्निंग वॉक एंड लेटर टू फादर आस्किंग फॉर मनी अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा. ठीक है जी, सेवन क्लास. नाउ वी आर गोइंग टू डू द स्टोरी फॉक्स एंड द ग्रेव्स, अ वेरी ईजी एंड वेरी शॉर्ट स्टोरी सेवन क्लास एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. सो वी आर गोइंग टू राइट हियर द टॉपिक story the fox and the grapes. कहानी है जो कि past tense में हमेशा होती है, हमेशा याद रखें. start करते हैं, जैसे आपने पढ़ी थी ना लूमड़ और अंगूर. ठीक है, once a fox was very hungry. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लोमड़ बहुत भूखा था. He ran here and there in search of food. वो खाने की तलाश में इधर उधर भाग रहा था. At last, he went into an orchard. आखिरकार वो एक बागीचे में गया. Second paragraph start करेंगे. There he saw a bunch. बंच कहते हैं गुच्छे को. बंच ऑफ राइप ग्रेप्स, वहाँ पे उसने पके हुए अंगूरों का गुच्छा देखा. हैंगिंग अप, हैंगिंग हाई अप वॉल्स, हैंगिंग हाई अप, हैंगिंग हाई अप, जो कि बहुत ऊपर लटक रहा था. His mouth filled with water. उसका मुंह पानी से भर गया. उनको देख के उसके मुंह में पानी आ गया. He jumped again and again. वो उसने बार बार छलांग लगाई. But all in vain, लेकिन नाकाम रहा. At last he went away saying, the grapes are sour, I shall not eat them.
करते हैं, मुझे इन्हें नहीं खाना चाहिए। ठीक है जी, बस यहाँ तक थी ये स्टोरी, जो कि बहुत इजी है, सेवन क्लास याद करने में बहुत आसान है। मॉरल, इन्वर्टेड कॉमास में मॉरल लिखा करें। The grapes are sour. S-O-U-R, sour, अंगूर खट्टे हैं। अगेन एक दफ़ा पढ़ते हैं। Once a fox was very hungry. He ran here and there in search of food. At last he went into an orchard. There he saw a bunch of ripe grapes hanging high up. His mouth filled with water. He jumped again and again, but all in vain. At last he went away saying, the grapes are sour, I shall not eat them. Moral, the grapes are sour. ओके, सेवन क्लास ये हो गया आज का आपका काम जो कि हमने कर लिया है। एंड द ओनली थिंग दैट आई वांट टू फ्रॉम यू, आई वांट फ्रॉम यू कि दैट यू हैव टू लर्न दिस ऑल। आपको ये सब अच्छी तरह याद कर लेना है क्योंकि फर्स्ट टर्म के पेपर्स आपके होने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, तो उसके लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।